प्लाजा होम्स। आज मैं आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो कि 1 BHK फ्लैट्स हैं, जो इसका साइज रहेगा 480 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। कवर हमने इसको 405 स्क्वायर यार्ड में किया हुआ है, तो गेटेड सोसाइटी के अंदर है। G+2 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, 54 यूनिट्स हैं। तो ये लोकेटेड है खरड़ में, लोकेटेड है नियर बाई, यहाँ से मोहाली 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, चंडीगढ़ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, नियर बाई मार्केट, शॉप्स, कॉलेजेस, यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रियाद बारा यूनिवर्सिटी है, 4 किलोमीटर पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। बैंक फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 90% आपको इसमें लोन मिलेगा, MC अप्रूव्ड है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो 8000 हम रेंटल इनकम दे रहे हैं, क्योंकि नियर बाई यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज करके रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। इधर आसपास शोरूम्स बने हुए हैं, हमारी सोसाइटी मेन हाईवे से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, और जहां पे चंडीगढ़ का फ्लाईओवर डाउन हो रहा है फ्लाईओवर बिल्कुल खरड़ बस स्टैंड के आगे, जो हमारा रोड कुराली हिमाचल जम्मू को रोड निकल जाता है, उस रोड पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। नियर बाय काफी सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, गेटेड प्रोजेक्ट है एंड फुली फर्निश्ड फ्लैट दे रहे हैं आपको। इसका हमने प्राइस रखा हुआ है, टॉप फ्लोर 1490 विद फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर 1590 विद फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर 1690 विद फर्नीचर। तो विद फर्नीचर फ्लैट दे रहे हैं। अगर आपको इसमें फर्नीचर नहीं चाहिए तो वो फर्नीचर का पैसा आपका लेस हो सकता है इसमें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट के अंदर का व्यू। आप वीडियो पूरी देखें एंड अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको सोसाइटी का व्यू, फ्लैट के अंदर का व्यू। तो सबसे पहले हमारा ये 1 BHK फ्लैट आ जाता है, जिसमें एक बेडरूम रहेगा, अटैच विद वॉशरूम रहेगा एंड फ्रंट में लिविंग एरिया आ जाता है हमारा। तो मैं लिविंग एरिया दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसमें इस वॉल पे हम वॉलपेपर्स दे रहे हैं, वो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से हमने ये डेकोरेट किया हुआ है। तो इसमें हम बेडकम सोफा दे रहे हैं विद मैट्रेस, डबल मैट्रेस है एंड विद बॉक्सेस बेडकम सोफा है ये, एंड बीच में सेंटर टेबल रहेंगे। एंड इसके साथ इस साइड को ये हमारी वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाती है एंड कर्टन्स रहेंगे विद कर्टन्स पाइप। एंड ऊपर हम डाउन सीलिंग करके दे रहे हैं आपको, लिविंग एरिया में डाउन सीलिंग रहेगी एंड बेडरूम में भी डाउन सीलिंग करके देंगे आपको। तो इसके बाद हमारा ये ओपन किचन आ जाता है, जो कि हम मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। इसमें चिमनी रहेगी, चिमनी के साथ हम पाइप लगा के दे रहे हैं एंड गीजर का पॉइंट रहेगा एंड मार्बल फ्लोरिंग रहेगी। अब मैं इसका अंदर से आपको कवर दिखा दूं, तो काफी स्पेसियस है एंड इसमें माइका हमने लगाया हुआ है सारा, और कस्टमर ने अपनी चॉइस के हिसाब से कॉम्बिनेशन किया हुआ है व्हाइट एंड रेड का। तो इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं प्लेट सेट, क्रॉकरी सेट, इसलिए आपका सामान सारा आ सकता है इसमें। एंड ये हमारा एरिया सिलेंडर एरिया आ जाता है, यहाँ पे आप अंदर सिलेंडर रख सकते हैं, पाइप के लिए हमने इधर होल किया हुआ है। तो इसके साथ ही हमने एक सिंक दिया हुआ है जिसमें 3 टैप्स लगे हुए हैं, एक फ्रेश वाटर का रहेगा, एक गीजर वाटर का रहेगा एंड ए नॉर्मल टैंक के वाटर का रहेगा। इसके साथ भी हमने इधर कबर्ड्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। एंड एक्वा का RO दे रहे हैं हम, एंकर के सारे स्विचेस रहेंगे, वी गार्ड की वायरिंग रहेगी। एंड अब मैं आपको ये हमारा फ्रिज एरिया जाता है, यहाँ पे फ्रिज रहेगा, ये कस्टमर ने हमसे नहीं लिया हुआ है तो यहाँ से फ्रिज हटा हुआ है, 181 लीटर का हम LG का फ्रिज दे रहे हैं आपको इसमें। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम की ओर। तो ये हमारे बेडरूम की मेन एंट्रेंस आ जाती है, एंट्रेंस पे नीचे हमने वुडन टाइल वर्क किया हुआ है एंड ये हमारा बेडरूम आ जाता है। इसमें विद बॉक्सेस बेड रहेंगे आपके, साथ में मैट्रेस दे रहे हैं एंड पीछे डीप वर्क किया हुआ है हमने सारा। एंड कबर्ड्स आप देख सकते हैं, फुल हाइट पे कबर्ड्स रहेंगे, ऊपर भी हमने कबर्ड्स दिए हुए हैं, स्पेसियस कबर्ड है। इसमें हमने पाइप दी हुई है, तो यहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं,
एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है इधर, तो रूम की वेंटिलेशन आपकी बनी रहेगी। एंड साथ ही सामने हमने ये हमारा एलसीडी पैनल आ जाता है, यहाँ पे आप अपनी एलसीडी भी लगा सकते हैं, 32 इंच या इससे बड़ी एलसीडी यहाँ पे लग सकती है। एंड इसके साथ हमने ये ड्रॉअर दे दिए हुए हैं, तो ये हमारा इस वॉल पे भी वॉलपेपर्स रहेगा, ये भी कस्टमर ने अपनी चॉइस के हिसाब से लगाया हुआ है। एंड इसके साथ में हमने यहाँ पे एसी का पॉइंट दिया हुआ, स्प्लिट एसी का, तो यहाँ पे स्प्लिट एसी लग सकता है आपका इजिली। एंड डाउन सीलिंग रहेगी, बेडरूम में भी हम डाउन सीलिंग दे रहे हैं आपको। एंड इसमें फैंस रहेंगे, लाइट्स रहेंगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का व्यू। तो ये हमारा 5x7 का वॉशरूम रहेगा, इसमें हम फुल हाइट पे आपको टाइल्स देंगे, साथ में गीजर रहेगा, शावर रहेगा एंड सेरा की सारी बाथ फिटिंग हमने दी हुई है इसमें। एंड ये हमारा वॉश बेसिन आ जाता है, और इसके साथ ही एग्जॉस्ट के लिए हमने उधर स्पेस दिया हुआ, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट लग सकता है। साथ में ये हमारा हमने छोटा सा स्टोरूम बनाया हुआ है एज ए स्टोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले को हम एज ए स्टोर इसको यूज करने के लिए दे रहे हैं, एंड ग्राउंड फ्लोर इसको एज ए वॉशिंग के लिए यूज कर सकता है, यहाँ पे आपका टैप्स रहेगा। एंड वेंटिलेशन के लिए हमने इधर जाली से कवर किया हुआ इसको, ताकि पीछे हमारी बिल्डिंग बने तो वेंटिलेशन बनी रहे हमारे रूम्स में। तो ये हमारे फ्लैट्स हैं 1 BHK, 54 यूनिट्स हमने ये बनाई हुई हैं, G+2 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, गेटेड सोसाइटी के अंदर हैं, लोन फैसिलिटी भी आपको इस पे मिलेगी और विद फर्नीचर हम फ्लैट्स दे रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी रेंटल इनकम है यहाँ पे, अगर खुद भी रहना चाहते हैं तो फैमिली एरिया है एंड नियर बाई शॉप्स, मार्केट सब कुछ अवेलेबल है, हॉस्पिटल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे पास 2 BHK फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं, 3 BHK हाउसेस भी हैं, 4 BHK डुप्लेक्स, 3 BHK 2 BHK सिंगल स्टोरी प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।